हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का फाइनल लेसन प्लान इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे जिस टॉपिक पे ये लेसन प्लान है वो है व्यावसायिक अध्ययन, ठीक है, बिजनेस स्टडी। एंड यहाँ पे देखिए, सामान्य उद्देश्य सबसे पहले आपको लिखने होते हैं कि आपका इस देखिए कॉमर्स को पढ़ाने का यानी कि वाणिज्य को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। फिर आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके पार्ट से जुड़े होते हैं, कि इस पर्टिकुलर जो भी आप पार्ट पढ़ा रही हैं उससे जुड़े क्या आपने उद्देश्य सेट किए हैं, जो आप समझते हैं कि हाँ बच्चों को अंत तक, देखिए बच्चों को अंत तक उनके अंदर ये परिवर्तन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सहायक सामग्री जो आपने यूज करी वो लिखें। अब आप बच्चों का देखेंगे पूर्व ज्ञान कि जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो क्या बच्चों को उससे रिलेटेड पूर्व ज्ञान है या नहीं, तो उसी से रिलेटेड आप प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे। बच्चों वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, ठीक है, बच्चे उत्तर देंगे। फिर आप व्यापार व्यवसाय का अध्ययन किस प्रकार या विषय के अंतर्गत किया जाता है वो पूछेंगे। और इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछने हैं, आखिरी में आप बच्चों से पूछें कि ई कॉमर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, फिर बच्चे ये बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यही हमारा आज का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन यहाँ पर आज आप बच्चों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स का अर्थ बताएंगे आप बच्चों को, क्या अर्थ होता है ई कॉमर्स का इस प्रकार से, ठीक है, वो आपने बताया। फिर ई कॉमर्स के प्रकार, देखिए प्रकार पे ही आपका मेन लेसन यहाँ पर जो है वो पूरा आधारित रहेगा, ये बहुत लंबा जाएगा। पहला है B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आपका B2C दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर आपका आ गया C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर आप लिखेंगे फोर्थ C2C दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है फिफ्थ B2A दैट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसके बाद यहाँ पर ई कॉमर्स के लाभ आपको बताने हैं कुछ इस प्रकार से। लाभ बताने के बाद, ठीक है, ई कॉमर्स के लाभ बताने के बाद आप बच्चों से कुछ बौद्ध प्रश्न पूछेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चों को कितना समझ आया है कितना नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मूल्यांकन प्रश्न हमारे हो गए, ठीक है, और इस प्रकार से निष्कर्ष कार्य और गृह कार्य आप कुछ देंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं या एंड में भी लगा सकते हैं, साथ में जो टीचिंग एड्स आपने यूज़ किए हैं वो भी लगाएं। इसका चार्ट पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार का चार्ट मैंने यहाँ पे इस पार्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन का पार्ट ई कॉमर्स पढ़ाने के लिए यूज़ किए हैं।